हे अहमद भाई, ये बताओ ना यार, कि वीडियो जो वायरल हो रही है एक लड़का एक लड़की की, वो कहाँ की है? क्या वो जीएलए की है? कौन सी अभी जो वायरल हो रही है? हाँ, अभी जो वायरल हुई है ना, बहुत सारे कोनों में देखा होगा, एक अच्छा, लड़का एक हाँ, लड़की ग्राउंड में हाँ, बैठे हुए हैं पेड़ के हाँ, पास। तो मैंने भी देखा है, रात में ही एक बच्चे ने दिखाया मुझे। अच्छा, तो पता एक्चुअली किया उसको कुछ? हाँ, कहाँ मैंने का है, पता क्या किया, सीन तो है? वो एक्चुअली बता रहा था कि 7 ब्लॉक के सामने का पार्क का है, तो अच्छा, मैंने वो लोकेशन भी देखा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ लोकेशन है नहीं। और एक्चुअली मैं कॉलेज को अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी जैसे ही वीडियो देखा तो मैंने बता दिया ये जीएलए की नहीं है। फिर भी बहुत बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, ये जीएलए की है। तो मैंने जो जो लोकेशन जिन बंदों ने बताया, तो मैं वो सारी जगह चेक करके आया हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब वो जीएलए का एमएमएस नहीं है। ठीक और है। कब एक्चुअली कहाँ? अगर जो लोग नहीं देखे अभी तक, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसकी पूरी वीडियो जो है पहले आप थोड़ी सी देख लो, ठीक है? हाँ, अच्छा, ये बताओ, लड़का लड़की की आपको जानकारी होगी कहाँ के हैं, कैसा है? नहीं, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने कोई रिसर्च नहीं करा इस पर। बस मैं भी वीडियो देखा था, 2-2.5 मिनट की वीडियो आई थी मेरे पास, तो मैं भी बस वीडियो अभी एक्चुअली देखा ही हूँ। तो आपने यूट्यूबर्स चैनल पर उसे डालना पसंद करेंगे? अरे पसंद की बात नहीं है, मतलब ये है ना कि इससे मज़े नहीं लेने इस वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है कि मज़ा आने वाला सीन है, मतलब ये है कि इसमें हमें सीखने को मिल रही है कि अगर आगामी हम भी अगर इस टाइप का हरकत करेंगे पब्लिक प्लेस में, तो मैं भी हो सकता है हम मेरा भी एमएमएस बन जाए, वायरल हो सकती है। तो इससे हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो और बताइए कुछ? और क्या ही बताया, और इसमें इस वीडियो में एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फर्स्ट ईयर के, जो बोलते हैं मन नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा कुछ, समझ रहे हो, मन नहीं लग रहा है इन द सेंस कि वो आते हैं देखते हैं कि उसकी दोस्त की सेटिंग है, मतलब कि समझो रिलेशनशिप में है लेकिन वो नहीं है, तो बहुत अपसेट होता है। और इनफैक्ट ये एक बच्चों की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। जब भी मैं उसके कमरे में जाता हूँ, जब भी, वैसे जाता नहीं, 10 दिन 15 दिन में एक बार जाता हूँ या महीने में एक बार जाता हूँ, देखता हूँ वो हमेशा पढ़ता ही रहता है। और वाकई में वो अच्छा लड़का है, फिर भी वो कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले बोला भैया मन ही नहीं लग रहा, क्या करें, ये वो, शायद जी सेक्शन का है, डी या एफ सेक्शन का है फर्स्ट ईयर में। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आप ये सब चीज़ें करते हुए पाए जाते हैं तो उस वीडियो इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। हाँ, नहीं, बात ये है ना कि अगर आप करते हो, सबसे पहले तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, और अगर यूनिवर्सिटी में किसी अथॉरिटी को पता चलती है तो तुम्हारी पीवी तो लगे ही लगेगी, तुम्हारे माता पिता को भी यहाँ पे बुलाया जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे A to Z सभी को इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर कुछ दिन पहले लास्ट ईयर एक दूसरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक वीडियो MMS वायरल हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हुआ था उसमें। तो आप कहना क्या चाहोगे इन जैसे लोगों के लिए कि वो क्या करें, क्या ना? हाँ, तो इन जैसों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं तो कोई नहीं हूँ। जब यूनिवर्सिटी उसके माता पिता कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ, बस मैं कुछ देना हो लूँ। हाँ, तो मैं सजेशन तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जो भी करना है थोड़ा प्राइवेट प्लेस पे करो, पब्लिकली मत करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे ही माता पिता आते हैं, जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो हम लोगों को भी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने एक मीटिंग अरेंज की, और उसमें बताया कि तुम लोग जो ऐसे केसी में बैठते हो थोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में, तो तुम्हारे ही माता पिता आते हैं, देखने में ऑकवर्ड लगते हैं, क्या सोचते होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा उन पे, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप तो यहाँ आने से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे, वहाँ का माहौल देखा होगा कि ये सब गंदी गंदी हरकतें या योग भी है, एटमोसफियर वहाँ का ख़राब है या अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया था? एक्चुअली भाई, अगर यूनिवर्सिटी को जानना है तो उसके बाहर जो ढाबा लगी हुई है उनसे बात करो, उनके बाहर जो दुकानदार है ना, उन उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी कॉलेज को। अगर कोई भी संस्था है तो उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके HR या उसके एडमिनिस्ट्रेटर से ज़्यादा जानकारियाँ बाहर वालों को होती है। जैसे वहाँ कोई अगर दुकान है या कोई शॉप है, तो उस जगह अगर वहाँ पे आप जाते हो तो आपका मानना क्या है? जैसे कोई भी मानना ये है कि अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, करवा चौथ के दिन मैं गया था ढाबे पे कुछ खाने के लिए, शायद उस दिन संडे था, तो संडे को हमारे हॉस्टल में भोजन नहीं होती, लंच नहीं होता, तो मैं गया हुआ था ढाबे पे, तो वहाँ एक लड़की आई और एक लड़का आया खाने के लिए,
तो वो फिर टाइम लगा उसमें, तो वो बोले भैया मैं चाय पी के आता हूँ। तो मेरी बात हुई ढाबा वाले से, तो मैंने बताया कि वो लड़की फर्स्ट ईयर की थी और लड़का थर्ड ईयर का था। तो वो भैया बोलते हैं कि अब ऐसा ही होता है, क्योंकि जो समझदार लड़कियाँ हैं ना, तो वो अपने बैचमेट को नहीं पकड़ती है, क्योंकि अगर सीनियर के साथ अगर वो उसका रिलेशनशिप होता है तो उसे दो तीन फायदे होते हैं। या तो एक तो उसको रास्ता बताने के लिए पथ मिल जाता है, इन द सेंस कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है तो उसको उतना ही जानकारी है जितना कि उसके सहपाठी को है, तो क्या ही मदद कर सकता। और वैसे भी सहपाठी को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगले सेमेस्टर में तो फिर चेंज ही हो जाना है, अलग अलग सेक्शन ही चले जाना है। इसलिए सीनियर को जो पकड़ती हैं लड़कियाँ लोग, जो समझदार होती है, सब नहीं करती है, 20-30% करती है। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि उसको असाइनमेंट या जितने भी होते हैं, मतलब इनकमिंग जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा या क्या क्या क्वेश्चन आने वाली, ये सब हिंट्स मिल जाता है, साथ में प्रोटेक्शन मिल जाती है। और फिर दो साल के बाद उसके सीनियर छोड़ के कॉलेज चले जाते हैं, तो फिर वो अपना नया लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इस वजह से वो भैया हमको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा सीन है। हम बोले वाकई मतलब अच्छी बात है, समझदारी तो इसी में है। तो मेरे हिसाब से तो यूनिवर्सिटी वालों को भी थोड़ा सा एकदम सख्त नियम लागू करने चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में, जिससे कि ये चीज़ें ना हो, जिससे कि यूनिवर्सिटी का नाम ना ख़राब हो। यूनिवर्सिटी का नाम क्या ख़राब होगा, यूनिवर्सिटी में अगर इतना ही सख्ती कितना भी करेगा तो कुछ ना कुछ बच्चा के पास जुगाड़ है, है ना। अगर मैं भी उस जगह पर रहता, भले ही मैं अभी मतलब एक्चुअली नहीं हूँ उस जगह पे, लगा मैं भी कभी रिलेशनशिप में होता तो मैं भी अपने मतलब आपने भी अभी तक कोई जीएफ नहीं बनाई है इसका अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है इसका मतलब। अरे भाई नहीं, अब क्या क्या तुम आपने कहना क्या चाह रहे हो, मतलब कि ऐसे थोड़ी होता, मतलब कि मेरे को प्रैक्टिस सी हो गई है, मतलब आदत सी हो गई है, वही है ना कि पहले था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया हुआ था तो मुझे भी लगता था कि यार कोई लड़की दोस्त होनी चाहिए या फिर उस टाइप का कुछ, मेरा भी सेंस ह्यूमर उसी टाइप, थिंकिंग मतलब माइंड भी उसी टाइप का था। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम निकलता गया, देश दुनिया देखी, यहाँ की यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, तो फिर पता चले कि नहीं भाई अब तो जैसा है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जैसे एक से मन नहीं भरता, जैसे चाहे वो लड़की की बात करे लड़का की बात करे तो एक से मन नहीं भरता है, ठीक है। तो फिर अगर मेरे साथ कभी इनकमिंग लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ तुम्हें हजम ही ना हो तो उस चीज़ को खाया ही मत करो, सीधी सी बात है, उस चीज़ से डिफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना अच्छी बात। और एक चीज़ मैं और एक चीज़ ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी मतलब अपने आप को रिग्रेट फील करते हैं, तो भाई तुम्हें रिग्रेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ ख़त्म नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ एक स्टार्टअप है। और जिनको जिन बंदों को या बंदी को रिलेशनशिप में जाना है तो जाने दो, मत रोको उसे, क्योंकि सस्ती मार्केट में आपने देखा होगा कि सस्ती चीज़ें ज़्यादा बिकती है। हो सकता है आप जिसके लिए इतना वो आपके मान चलो कोई क्रश है तो आपके वो रिलेशनशिप में चले गए तो आप डिप्रेस हो जाओगे या फिर आपका पढ़ने उड़ने में मन नहीं लगेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें काम वही करनी है जो बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल के दौर में आ गए हैं, हम लोग कोई भी कोर्स अगर यहाँ पे कर रहे हैं, सारा कोर्स यहाँ पे प्रोफेशनल ही है, कोई भी मतलब उस टाइप का नहीं है। तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल ज़िंदगी हम लोगों को जीनी चाहिए। प्रोफेशनल मतलब जहाँ पे बेनिफिट हो हमारा, वही काम हम वही करेंगे जो बेनिफिट होगा। अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, एक घंटे दिन का मैं 4 घंटे बर्बाद करता हूँ यूट्यूब के पीछे, तो उसके पीछे भी मेरा कुछ ना कुछ मोटिव है, हमें भी कोई ना कोई लोभ है कि आगे चल के हमें कुछ ना कुछ इससे अर्निंग होने वाली है या कुछ भी हो। तो गाइस हम लोगों को यही करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी जब था अपने दौर में तो मेरे को भी लगता था ऐसा कि कुछ होना चाहिए, लेकिन अब मैं अपने दिमाग और फोकस को उस पे से हटा के दूसरे ऊपर शिफ्ट कर दिया हूँ। अभी मैं अपना टाइम स्पेंड अपने पर डे 4 घंटे देता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मेरे को 4 घंटे लगती है कम से कम, शूटिंग से लेके एडिटिंग और अपलोडिंग तक में, तो वो मैं 4 घंटे अपने लाइफ की यूट्यूब को दे रहा हूँ फिलहाल, और देखता हूँ आगे क्या होता है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी, तो गाइज सपोर्ट कीजिए। गाइज मेरा चैनल का नाम है बीइंग इंजीनियर, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, और बेसिकली ये कोई टेक्निकल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्क्विड गेम हो रही थी तो उसमें MBA की कुछ छात्रा
से जब बात हुई तो उनको मैंने बताया तो वो बोलता है ये तो टेक्निकल लग रहा है। और बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि बीइंग इंजीनियर नाम से ही पता चलता है कि टेक्निकल। तो जब मैं अपने चैनल का नामांकन कर रहा था तो तभी मेरा जो थाट्स था, मतलब मेरे मन में चल रहा था बीइंग इंजीनियर, मतलब बीइंग मतलब कि इंजीनियर होने के नाते तो इंजीनियर क्या क्या कर सकता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। और मेरे को लगता है उन सभी मुद्दों पे मेरी वीडियो बनती है क्योंकि मैं डेली लाइव बेसिस पे वीडियो ही बनाता हूँ ज़्यादातर। कोई स्पेसिफिक मेरा वीडियो का वो क्राइटेरिया नहीं कि कोई डांस का या फिर जो भी हमारे लाइफ में चलता है, कॉलेज में चलता है, वो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है बीइंग इंजीनियर, इंजीनियर होने के नाते। तो इंजीनियर होने के नाते लाइफ में क्या क्या होती है वो सब आप इस चैनल पे देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर और बेल आइकन बटन दबाइएगा। ये हमारे अमित भाई के लिए है। थैंक यू।